एक ऐसी फैक्ट्री जहां हजारों क्विंटल आलू की एक ही दिन में सफाई धुलाई कटाई वो भी फुली ऑटोमेटिक होती है। इस रेलगाड़ी जितनी मशीन के अंदर पैकिंग से लेके लोडिंग तक, लोडिंग से अनलोडिंग तक सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ होता है। कैसे काम होता है चलिए देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा बताइए सर यहाँ पे क्या क्या चीजें बनाई जाती है। यहाँ पे हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं। सबसे पहले जो हम आलू है वो हम कोल्ड स्टोर से या वेंडरों से जो ट्रक के थ्रू हमारी कंपनी में आता है, तो पहले हमारे कन्वेयर बेल्ट्स हैं जिसपे हम आलू डालते हैं। उसके बाद हमारा ग्रेडर है जिसमें मिट्टी होता है तो उसमें निकल जाता है ग्रेडर में। उसके बाद हमारा डीस्टोनर है, डीस्टोनर में पानी के थ्रू जो है आलू ऊपर धुल के जाता है। उसके बाद उसकी पिलिंग होती है पिलर में। पिलिंग होने के बाद हमारी जो ये बड़ी सी मशीन है ये पूरी पिलिंग मशीन है। हाँ, ये पिलर बोलते हैं इसको, पोटैटो पिलर। जो खराब आलू है या बहुत बड़ा आलू है उसे काट के अलग कर देती है। यहाँ पे मैनुअली काम होता है। यहाँ पे मैनुअली होता है। अच्छा, ये पानी भी लगातार वॉशिंग भी होती रहती है। हाँ, कंटिन्यू वॉशिंग होती रहती है जिससे आलू में लगा कोई भी मिट्टी हो धुल के साफ हो जाता है। ठीक है। आगे स्लाइसर में जाता है जहाँ पे हम आलू को छोटा चिप्स का शेप देते हैं। अच्छा, जो छोटा गोल सा जो है ये स्लाइसर है। हाँ, ये स्लाइसर है। ओके, तो यहाँ से हम चिप्स का शेप देते हैं। इसके बाद इसकी चिप्स की धुलाई होती है, इसे वॉशर बोलते हैं, ड्रम वॉशर। आलू प्रोसेस कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू होता हुआ ब्लांचर के अंदर से निकल के धुलाई, अगेन इसकी एक बार फिर धुलाई होती है ब्लांचर में। ये जो बड़ा सा जो है ये ब्लांचर, ये क्या है, मतलब इसमें क्या काम? इसमें अगर आलू में कभी हमें कंट्रोल करना होता है क्वालिटी के हिसाब से तो हम इसे टेम्परेचर देते हैं, अदरवाइज अगर आलू की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है तो इसमें पानी में इसकी वॉशिंग होकर चिप्स कर निकल आती है। चिप्स आगे हमारा फ्रायर में जाता है जहाँ पे इसकी कुकिंग होती है। उसके बाद जो बाहर निकलता है, आगे हमारे कूलिंग कन्वेयर है। कूलिंग कन्वेयर पे जो आलू में थोड़ा बहुत जो चिप्स के अंदर एक्सेस ऑयल होता है वो ड्रॉप होकर निकल जाता है और यहाँ पे चिप्स ठंडा भी होता है। मतलब ये डी ऑयलिंग भी होती है। डी ऑयलिंग भी होती है और कूलिंग भी होती है इसमें चिप्स की। इसके बाद जो आगे हम यहाँ पे मसाला लगाते हैं तो हमारा सीजनिंग टम्बलर है जिसमें हमारा चिप्स जाता है और मसाला ऊपर से इसमें लगता रहता है। मतलब ये एक साइड से मसाला धीरे धीरे आप जो ऊपर है उसमें मसाला आप अपना फिल कर देंगे। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा मसाला इस पाइप की सहायता से इतना हमें डालना होता है परसेंटेज के हिसाब से वो सेट कर देते हैं तो मसाला उसमें चिप्स में लगता रहता है। साइड से चिप्स आते रहते हैं। हाँ, इधर से चिप्स आता है। ये जो सीजिंग मशीन आपने बताई जो गोल गोल ये घूम रहा है ये कितनी देर लगभग इसमें प्रोसेस होता रहता होगा? इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारा आलू रोटेट करता है वो एक मिनट के अंदर बाहर आ जाता है। अच्छा, वो रोटेट भी होता रहता है और आगे भी चलता रहता है। आगे भी चलता है, रोटेट भी होता है। ओके, और ये फिर इस बड़ी सी कन्वेयर की सहायता से मटेरियल को लिफ्ट करके ले जाती है जो हर एक मशीन पे मटेरियल को ड्रॉप करती है। तो ये जो जितनी मशीनें दो चार पांच उधर लंबी मशीनें हैं, दस मशीनें, ये सारी पैकिंग मशीनें हैं। सारी पैकिंग मशीनें हैं। ओके, ऊपर से इसमें चिप्स डलता है। हाँ जी, बाकी तो ऑटोमेटिक है, टोटली वेयर वजन अपने आप वजन करता है और उसको ड्रॉप करता है और पैकेट बनते इसको भर के कार्टन में रखती है और आगे फिर ये डिस्पैच हो जाता है। मेरा नाम नितिश राजपूत। देवरपन फूड्स की स्टार्टिंग 2017 में हुई थी जी। अपना चिप्स हो गया, नमकीन, कुरकुरा और इंस्टेंट नूडल, रस, स्वीट्स, ये हमारी कैटेगरीज रहती हैं। Okay. चिप्स में हमारे पास 3 से 4 से 5 वेरिएंट आते हैं। नमकीन में हमारे पास 8 से 10 वेरिएंट है, प्लस और वेरिएंट्स भी हैं जैसे कि 18 से 20 वेरिएंट्स हैं लगभग नमकीन में। किस तरीके से आपसे संपर्क किया जाए? सर देखिए, अभी हमारी वेबसाइट है devarpanfoods.com और उसमें बहुत सारे नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं और जैसे कि ये नंबर मेंशन है यहाँ पे, इस पे भी हम लोग बात कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाकर के भी संपर्क करा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।